हेलो फ्रेंड्स, कुक विद अनामिका में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं भटूरा। तो आइए हम देखते हैं इंस्टेंट भटूरा हम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे मैदा को चाल लूँगी। उसमें अजवाइन और मंगरेल को हल्का सा हाथों से प्रेस करके डाल देंगे। नमक लेंगे, नमक को भी स्वाद अनुसार डाल देंगे, थोड़ा सा तेल, बेकिंग सोडा, नींबू का रस। आप इसकी जगह चाहें तो दही भी डाल सकते हैं, लेकिन दही से अच्छी फ्रेग्रेंस नहीं आएगी। इससे अच्छा है आप नींबू का रस डालें, इससे हम तुरंत भटूरे बना सकते हैं। और अब इसमें हम पानी डाल के अच्छे से इसे गूथ लेंगे। हमें ज़्यादा गीला या हार्ड डो नहीं लगाना है, हमें बिल्कुल सेमी सॉफ्ट डो लगाना है। और इसे हाथों से अच्छे से हम गूथ लेंगे। हमारा आटा गूथ के बिल्कुल रेडी है। हम आइए अब देखते हैं भटूरा कैसे बनाएंगे। इसे थोड़ा सा हाथों में तेल लगा के एक बार और अच्छे से गूथ लेंगे। डो हमारा बिल्कुल रेडी है। हम इसका छोटे छोटे पेड़े लेके और इसकी ऐसे पूड़ियाँ बना लेंगे, बिल्कुल जैसे हम पूड़ी या फिर भटूरा बनाते हैं वैसे ही। और गरम तेल में हम इसे डाल देंगे। देखिए कितने अच्छे से हमारा भटूरा फूल रहा है। अब हम इसे पलट देंगे, बिल्कुल ऐसे ही। बाकी के भटूरे भी हम ऐसे ही बनाएंगे। ये बहुत ही इजी एंड क्विक भटूरे की रेसिपी है। देखिए मैंने इसे निकाल लिया, कितने अच्छे फूले फूले भटूरे बने हैं। आप भी इसे जरूर ट्राई करिए और फीडबैक में हमें बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। देखिए कितने सॉफ्ट, सुपर सॉफ्ट ये बने हैं। आप इसे छोले के साथ ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और फीडबैक में हमें बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। एक बार आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा।